अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल पर माँ बेटी रसोई व्लॉग्स पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पिज्जा। तो हम अवन में नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे कढ़ाई में। तो मैं सबसे पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमने लिया है यहाँ पर पिज्जा बेस और पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, बटर, मोजरेला चीज और 3-4 स्लाइस चीज ली है हमने। और यहाँ पर लिया है हमने चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और पिज्जा सॉस, टोमेटो सॉस और मेयोनीज। तो चलिए अब मैं आपको आगे तो चलिए बल्ला का नाम लेकर शुरू करते हैं। हम पहले बेस पर बटर लगाएंगे अच्छे से। अब बटर अच्छे से लग चुका है, अब हम इस पे लगाएंगे पिज्जा सॉस। अब हमारी पिज्जा सॉस भी अच्छे से लग चुकी है, अब हम इस पर डालेंगे मेयोनीज। अब हम इस पर लगाएंगे चीज स्लाइस। अब हम इस पे डालेंगे पनीर। अब हम इस पे डालेंगे कॉर्न। फिर प्याज। अब हम इस पे डालेंगे शिमला मिर्च। अब हम डालेंगे इस पे चिली फ्लेक्स। ओरिगैनो। अब हम इस पर डालेंगे पनीर। अब हम इस पर डालेंगे मोज़रेला चीज। अब हम इस पर दोबारा थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे। अब टोमेटो सॉस। तो अब ये हमने सब कुछ डाल दिया अच्छे से। अब हम इसे कढ़ाई में, तो अब आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई को पहले ही अच्छे से गरम कर लिया था। अब हम अपना इसमें पिज्जा बेक करेंगे। पांच से दस मिनट तक के लिए अब हम इसे बेक करेंगे अच्छे से धीमी आंच पर। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलकर देखते हैं। वाओ, पिज्जा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसके पीसेस करते हैं, इसे कट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं पिज्जा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जो हमने ये चाउमीन पिज्जा बनाया है इसकी रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मिलेगी। तो चलिए पापा टेस्ट कर बताएंगे। आज पिज्जे के साथ बहुत टेस्टी पिज्जा है ये, और मैं कहूँगा कि आप
ट्राई करें घर पर, बिल्कुल हेल्थी पिज्जा जिसे बोलते हैं ना वो मिलेगा, साफ सुथरा अपने घर के अंदर बनाइए। और मैं चाउमीन पिज्जा भी ट्राई करता हूँ, ये भी बहुत बढ़िया सॉफ्ट है, क्रिस्पी है, अच्छी इसके अंदर मिलेगी। और मैं आपसे कहूँगा आप घर पर ट्राई करिए, रेसिपी बहुत अच्छी बनी हुई है। और आप सब लोग शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा, ताकि ये लोगों तक रेसिपी पहुँचे और अपने घर पर बना कर खाएँ और इन्जॉय करें। आप लोग भी करें इन्जॉय, मैं भी इन्जॉय करता हूँ।